Hello friends, I'm Dr. Ajay Kothari. I am a consultant spine surgeon at Sancheti Hospital, Pune. बहुत से पेशेंट मुझे ये सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ माइक्रोस्कोपिक लंबर स्पाइन डिस्केप्टोमी एंड एन एंडोस्कोपिक डिस्केप्टोमी, व्हाट इज द मेन डिफरेंस। सो मेरा आंसर ये होता है कि देखो, ये हमारा स्पाइन है और दिस इज द सर्वाइकल स्पाइन, थोरैसिक स्पाइन और लंबर स्पाइन। स्पाइन कैसे होता है, एक हड्डियों के ऊपर दूसरा हड्डी रचा गया है और दो हड्डियों के बीच में यहाँ पे डिस्क है जिसका काम कुशनिंग का है। जब ये जेल जो डिस्क के अंदर होता है वो फूट कर बाहर आता है और नसों के ऊपर दबाव देना शुरू करता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड द स्टीफ डिस्क। और जब ये तय हो जाता है कि अभी सर्जरी की जरूरत है, तो व्हाट इज द डिफरेंस यू कैन सी हियर, तो ये हमारा लंबर स्पाइन है, ये L5, L4, L3, L2 और L1। सो जब हम माइक्रोस्कोपिक डिस्केप्टोमी करते हैं तब एक 2 सेंटीमीटर का छोटा इंसिजन से वी जस्ट डिसेक्ट ऑन वन साइड, यहाँ पे एक रिट्रैक्टर लगाकर, कोई बोन कटिंग नहीं होता है, एक लिगामेंटम होता है जिसको लिगामेंटम फ्लेवर बोलते हैं, उस लिगामेंट को हटाकर वी डायरेक्टली गो ऑन टू द ड्यूरा जो कि स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसको हल्का सा रिट्रैक्ट कर ये जो डिस्क का फ्रैगमेंट है इसमें निकाला जाता है। दिस प्रोसीजर लास्ट फॉर 30 to 40 मिनट्स। सेकेंड जो प्रोसीजर है जिसको एंडोस्कोपिक बोलते हैं, उसमें इंसिजन साइड से होता है विच इज टेकन रफली अराउंड 8 to 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड लाइन, और उस पर एक छोटा स्कोप डालकर मिड लाइन में जाने के बजाय साइड से जाकर यहाँ डायरेक्टली एक कैम्बियम ट्राइंगल होता है उस पर डायरेक्ट कर जो ये डिस्क का फ्रैगमेंट है वो डिस्क का फ्रैगमेंट डायरेक्टली निकालते हैं। अभी व्हाट आर द इंडिकेशंस, सो माइक्रोडिस्कोपी इज बेटर फॉर सेंट्रल और पैरासेंट्रल डिस्क हर्निएशंस। ऑन द कॉन्ट्री, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी इज वेरी गुड फॉर एक्स्ट्राफोरामिनल डिस्क हर्निएशन, जो जिसका मतलब है कि ये जो फोरामेन है इसके बाहर जब ये डिस्क बाहर आती है तब वो एक अच्छा इंडिकेशन होता है। सेकेंडली, द साइज ऑफ द इंसिजन इन अ माइक्रोडिस्केप्टोमी इज अराउंड 2 सेंटीमीटर्स, इन अ एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी इज अराउंड 0.5 to 1 सेंटीमीटर। ब्लड लॉस जो होता है वो दोनों में तकरीबन 5 से 10 ml या मैक्सिमम 15 ml इतना ब्लड लॉस होता है। एनेस्थेसिया, माइक्रोस्कोपिक डिस्केप्टोमी इज यूजली डन आफ्टर जनरल एनेस्थेसिया। Endoscopy can either be done under the local anesthesia plus sedation or a general anesthesia. In both the surgeries, the desired outcome is usually achieved. Patient ko hum 2 ghante ke baad khada karke chalate hain in either of the cases, and usually the second day patient is discharged from the hospital. It is one of the most rewarding procedures. Ye procedure karne ke baad koi bedrest ki zarurat nahi hoti hai, कोई नॉक दम पेन किलर खाने की ज़रूरत नहीं होती है, पेशेंट जल्दी अपने काम पे लग जाता है। बस एक ही प्रिकॉशन फॉलो करना है कि रेगुलर एक्सरसाइजेस करने हैं पोस्ट सर्जरी, पोस्चर अच्छा मेंटेन करना है और हेल्दी डाइट लेना है। थैंक यू वेरी मच।